गहन अंधेरी रात नहीं लेती नाम ढलने का, वही तो समय है सूर्य के निकलने का। सूर्य सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें आंतरिक बल से अवगत कराता है, जीवन को दिशा देता है। कहा जाता है जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा न हो उसका जीवन दिशाहीन हो जाता है। कुछ भी कार्य करने के लिए प्रेरणा अत्यंत ही आवश्यक है। प्रेरणा का रखना जीवन में उसी के साथ आगे बढ़ना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार बादलों से भरे दिन में सूर्य की किरण निकलती है, वैसे ही प्रेरणा हमें जीवन के लिए बल देती है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ किरण भारद्वाज। समय और जीवन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होते हैं, क्योंकि जीवन हमें समय का सदुपयोग सिखाता है और समय ये सिखाता है कि जीवन का मूल्य क्या है। इसीलिए सदैव ही अपने जीवन में समय का सदुपयोग करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। समय की पहचान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि मंगलवार, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन में प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है हमारे अपने विचार। इसीलिए सदैव ही सकारात्मक विचार रखने चाहिए, कुछ बड़ा सोचना चाहिए और स्वयं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। नवा उमां वृजने वारयन्ते न पर्वतासो यदहं मनस्ये मम स्वनानत् कृतधुकर्णो भयात ईवेदनुध्यनिकरण समीजात। आपके आत्मविश्वास की शक्ति गहन है, कोई भी शरीर आपके आत्मनिर्णय को कुचल नहीं सकता। बड़े पहाड़ के आकार की बड़ी बाधाएं भी आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। आप सूर्य से अधिक शक्तिशाली हैं, बशर्ते आपके पास आत्मा या इच्छा शक्ति हो। Profound is the power of your self-confidence. Nobody can crush your self-determination. Even big obstacles of the size of big mountain cannot obstruct your path. You are more powerful than sun, provided you have strength of the soul or willpower. भारत का लोकतंत्र प्राचीन काल से ही अपनी विचारधारा को उल्लेखित कर रहा है। इसका वर्णन अथर्ववेद और ऋग्वेद में भी मिलता है। लोकतंत्र समाज की जो व्यवस्था है वो रामायण से लेकर महाभारत काल में भी दिखाई देती है, या ये कहें कि प्राचीन काल से वर्तमान तक लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था निरंतर प्रवाहमान है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे सं जानाना उपासते। अर्थात साथ मिलकर चले, साथ मिलकर बोले, हम सभी एक मत होकर विचार करें, हमारी समिति समान हो, लोकतंत्र के उज्जवल विचारधारा को बताने वाला यह संगठन सूक्त विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में उल्लिखित है। भारत की संस्कृति हजारों वर्षों से लोकतांत्रिक लोकाचार की विरासत को संरक्षित किए हुए है। लोकतंत्र अंतर्निहित मूल्यों के साथ जनता से प्राप्त शक्ति का प्रतीक है। भारतीय लोकाचार के अनुसार लोकतंत्रात्मक समाज में स्वतंत्रता, स्वीकार्यता, समानता और समावेशिता के मूल्य शामिल हैं,
जो शासन में जनता की भागीदारी का प्रमाण प्रस्तुत करता है। सभा ज्येष्ठ जनों का समूह, समिति आम जनों का समूह एवं संसद प्रत्येक प्रतिनिधि निकाय है और इन शब्दों का ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में बार बार उल्लेख किया गया है। भारतवर्ष दुनिया का एक ऐसा देश है जो अति प्राचीन राष्ट्र है और अति प्राचीन काल से यहाँ लोकतंत्र पद्धति शासन व्यवस्था में हमेशा से लागू रही है। आज से 5000 साल पहले की कल्प की बात करें युधिष्ठिर के शासनकाल में, तब भी लोकतंत्र था। माने ऐसी शासन व्यवस्था थी कि ग्राम पंचायत, जिसको हम आज बोलते हैं ग्राम पंचायत स्थानीय शासन, उस समय भी था। एक गांव का अपना शासन होता था तो उसको ग्रामाधिपति के अंतर्गत शासन व्यवस्था कहते थे। फिर 10 गांव होते थे, 10 गांव के जो अधिपति होते थे 10 ग्रामाधिपति, फिर उसके ऊपर 100 गांव का अधिपति 7 ग्रामाधिपति, फिर 1000 गांव का अधिपति सहस्त्र ग्रामाधिपति। फिर राज्य की व्यवस्था होती थी, राजा, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और महाभारत युद्ध से पहले 240 गणराज्यों की व्यवस्था थी और उस सब के चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर थे और उनके नीचे सम्राट होते थे, 5 सम्राट चारों दिशाओं में और मध्य दिशा का, और उन सम्राटों के नीचे राजा होते थे। माने लोकतंत्र की पद्धति से ही, लेकिन पूरे भारतवर्ष के साथ जुड़कर रहना, देश एक भारतवर्ष, राज्य अनेक, शासन व्यवस्था की दृष्टि से उनमें राजा होंगे और लोकतंत्र पद्धति से सारी शासन व्यवस्था चलती थी। स्वतंत्रता की ध्वनि सिंधु सरस्वती सभ्यता में परिलक्षित होती है। एकात्म विश्वासी कन्या की कांस्य प्रतिमा उस समय की अत्यधिक विकसित संस्कृति को चित्रित करती है। रामायण में श्री राम को समाज के सभी वर्गों की सहमति से जनमानस के राजा के रूप में स्वीकार किया गया। महाभारत में शैया पर लेटे भीष्म पितामह अपने पौत्र युधिष्ठिर को परामर्श देते हैं कि अपनी प्रजा की समृद्धि तथा सुख को संरक्षित सुरक्षित करना ही राजा का धर्म है। सिकंदर के आक्रमण के बाद ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसमें चाणक्य को प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद, ये सब जन प्रतिनिधियों के द्वारा चुनकर आए हुए लोग होते थे और जो शासन व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाते थे। प्राचीन पद्धति लोकतंत्र की, माने जनता के लिए, हित के लिए, जनता की सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की, ये लोकतंत्र व्यवस्था थी। और महाभारत के अंतर तो भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि लोक कल्याण के लिए शासन व्यवस्था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन पर सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। उसके अनुसार लोगों के सुख में शासक का सुख निहित है, लोगों के कल्याण में शासक का कल्याण निहित है। विदेशी यात्री भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने कहा कि अधिकांश राज्यों में शासन का आधार लोकतांत्रिक है और चीनी यात्री फायान ने देखा कि राजा भिक्षुओं के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करते हैं। शासकों द्वारा जनता के लिए कार्य करने तथा जनता द्वारा चुने जाने के उदाहरण अभिलेख में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। उत्तीर मेरूर मंदिर की दीवारें चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करती हैं। भारत के राजाओं और सम्राटों ने विजयनगर साम्राज्य से लेकर महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी तक ने लोगों की भागीदारी को संहिताबद्ध करके प्रबुद्ध शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। पहली व्यवस्थाओं में भी भारतवर्ष के अंदर सुदृढ़ लोकतंत्र पाया जाता था, जनता की आवाज सुनी जाती थी, तो दुनिया को सीख देने वाला, लोकतांत्रिक पद्धति को अनुशासन रूप में चलाने वाला भारतवर्ष दुनिया को सीख देता है। और हमारे लोकतंत्र का वर्णन दुनिया के विद्वानों ने अपने ग्रंथों में किया है। स्वतंत्रता के बाद भारत के नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया जो समावेशी था और सभी के लिए स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करता था। इससे 17 राष्ट्रीय चुनावों के माध्यम से सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण संपन्न हुआ है।
भारत का स्वतंत्र चुनाव आयोग दूर दराज तक के स्थानों में मतदान केंद्र स्थापित करके सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक मतदान कर सके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट भारतीय आविष्कार हैं, जो पूरी तरह से डिजिटल हैं, साथ ही व्यक्तिगत मतदाता के स्तर पर सत्यापित हो सकते हैं। वास्तव में भारत में लोकतंत्र एक उत्सव है और यह उतना ही प्राचीन है जितना कि स्वयं वेद। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहां पर लेते हैं एक अल्प विराम, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। हाथ धोकर आते हैं साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कई बार हम जीवन में कुछ ऐसी त्रुटियां करते हैं जिनका अंदाजा भी हमें नहीं होता कि उनका परिणाम कितना गंभीर हो सकता है। अनुचित तरीके से हाथों को धोना या उनकी साफ सफाई का ध्यान न रखना कई तरह के रोग, संक्रमण और बीमारियों को आमंत्रित कर सकता है। आवश्यकता है कि इस बात की जानकारी हो कि हाथों की स्वच्छता कितनी आवश्यक है और हाथ धोने का सही तरीका क्या है। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट, क्योंकि आज है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, यानी विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस। हाथों की स्वच्छता का अभाव कई तरह के संक्रमण और बीमारियों की संभावना को बढ़ा देता है। दुनिया भर के लोगों में हाथ धोने की आदतों में सुधार करने और उनको इसके लिए प्रेरित व संगठित करने के उद्देश्य से हर वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये समझना आवश्यक है कि सही रूप से हाथ धोने का क्या महत्व है और हाथ धोने का सही तरीका क्या होना चाहिए। यदि हाथों को ठीक से न धोया जाए तो कई तरह की बीमारियां और संक्रमण हो सकते हैं। हाथों के साफ सफाई का अभाव डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, दस्त, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और ई, पीलिया, H1N1 और कई अन्य बीमारियों को आमंत्रित कर सकता है। आज वर्ल्ड हैंड वॉश डे है। स्वच्छता से ही जीवन है और हाथ को साफ रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है बीमारियों से बचने का। एक्चुअल में यदि हम हाथ नहीं धोते तो हमारे हाथ पे लगे हुए विषाणु, जीवाणु, ग्रीस, केमिकल्स, प्रोटोजोअल के अंडे वो हमारे पेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से, विषाणुओं की वजह से बहुत बार गला खराब होना, जुकाम होना और निमोनिया हो जाना। बैक्टीरिया और विषाणु की वजह से भी निमोनिया, बैक्टीरिया की वजह से भी निमोनिया हो जाता है और पेट की अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें दस्त लगना, डायसेंट्री होना, कॉलरा का फैलना, ये कई बीमारियां हो जाती हैं। लगातार पेट में कीड़े हो जाना और उसकी वजह से बच्चे कमज़ोर हो जाना, ये सब बीमारियाँ हाथ को अच्छी तरह ना धोने की वजह से होती हैं। हमारे हाथ दिन भर में कई तरह की दूषित वस्तुओं और सतहों के संपर्क में आते हैं, जैसे दरवाजों के हैंडल, टेबल, सिंक, सीढ़ियों की रेलिंग और कई अन्य चीजें, जिनमें मोबाइल फोन भी शामिल है। यदि आप बार बार अपने हाथों को चेहरे पर लगाते हैं या मुंह में डालते हैं तो संभावना है कि आप बीमार हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए हाथों की स्वच्छता
आवश्यक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब भी हम खाना खाने बैठे तो अपने हाथ अवश्य साबुन से धोएं, कम से कम 20 सेकेंड तक। खाना बनाने से पहले हाथ अवश्य धोएं। एनिमल्स को हैंडल करते हुए उसके बाद आप हाथ अवश्य धोएं। किसी मरीज को हैंडल कर रहे हैं तब भी हाथों को धोएं। बच्चे को डायपर चेंज करते हुए या उसका मलमूत्र साफ करने के बाद हाथ अवश्य धोएं। यदि हम हाथों को वास एक नियमित रूप से करते रहेंगे तो हम इन बीमारियों से बचे रहेंगे। ये देखा गया है कि जो बच्चे नित्य अपने हाथ साफ करते हैं उन बच्चों का स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा रहता है, उनकी हाइट और वेट ज़्यादा रहती है, उनको बीमारियां कम रहती हैं। जब हम किसी संक्रमित वस्तु को छूते हैं तो कीटाणु हमारे हाथों की सतह पर आ जाते हैं और फिर जब वही हाथ हम चेहरे या मुंह या नाक के आसपास लगाते हैं तो संक्रमण के कीटाणु हमारे शरीर में आकर उसको हानि पहुंचाने लगते हैं। हाथ धोना एक असरदार तरीका है जो कई संक्रमण और बीमारियों से बचाव में उपयोगी है। हाथों को धोना जितना आवश्यक है उतना ही महत्वपूर्ण है हाथों को ठीक तरह से धोना। नियमित रूप से हाथों की स्वच्छता बनाए रखने से कृमि, संक्रमण और कई तरह की बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। हमें हाथों की स्वच्छता के लिए बार बार और विशेष रूप से खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले या शौच जाने के बाद हाथों को अवश्य धोना चाहिए। हाथ धोने के लिए सबसे पहले हमें उसको गीला करें, साबुन अच्छी तरह से लगाएं, साबुन का झाग बनाएं, दोनों तरफ साबुन को फैलाएं, हाथ के पीछे भी और आगे भी, उंगलियों के बीच में भी लगाएं, नाखून के पीछे भी लगाएं, नाखूनों को भी धोएं, टिप्स को भी धोएं उंगलियों की, थंब्स को थंब्स में साबुन लगाएं और अब ये पूरा हाथ के आगे वाले कलाई पे भी थोड़ा साबुन लगाएं और इसके बाद इसको पानी में धो लें। इसमें 20 से 30 सेकेंड का टाइम लगना चाहिए जिससे कि हाथ पे लगे हुए सभी विषाणु, जीवाणु और परजीवी के अंडे या केमिकल्स, ग्रीस सब कुछ निकल जाएगा। हाथों की स्वच्छता का ध्यान न रखना रोग और संक्रमण का कारण बन सकता है, इसलिए अपने हाथों को बार बार धोएं और सही तरीके से धोएं। हाथों को बार बार धोना आवश्यक है। हाथ धोने की आदत को बढ़ावा दें जिससे बीमारियों से बचाव हो और आप स्वस्थ रह सकें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। हाथ धोने की छोटी सी आदत आपको बीमारियों से बचा सकती है। वहीं हमारा रोग प्रतिरक्षा तंत्र रोगों से रक्षा करता है। यदि ये अपने ही विरुद्ध कार्य करने लगे तो समस्या उत्पन्न हो सकती है और स्व प्रतिरक्षित रोगों की संभावना हो सकती है। आइए देखते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए उपयोगी कुछ यौगिक क्रियाएं। आज हम कुछ सिंपल आसनास का अभ्यास करेंगे जो कि ल्यूपस डिजीज को मैनेज करने में हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। ल्यूपस डिजीज में जब हमारे जॉइंट्स में ऐंठन या स्टिफनेस बढ़ जाती है तो उसको दूर करने के लिए ये आसन हमारी मदद करेंगे। सबसे पहले दोनों आर्म्स को एक्सटेंड करेंगे, फिंगर्स को पूरा स्ट्रेच करेंगे, फिर पूरा क्लोज करेंगे, स्ट्रेच एंड क्लोज, ऐसे 5 से 10 बार करना है। उसके बाद फिस्ट बनाना है और धीरे धीरे सर्कल क्रिएट करना है, रोटेट क्लॉकवाइज करके फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है 5 से 10 बार। उसके बाद हम आएंगे पाम को ऊपर की तरफ फेस करके एल्बोस को फोल्ड और एक्सटेंड करेंगे। अगेन ये आसन भी 5 से 10 बार करेंगे। उसके बाद फिंगर्स को शोल्डर की तरफ रखते हुए सामने और थंब को पीछे एल्बोस साइड पे, बैक ऑफ द पाम को ज्वाइन करेंगे बैक ऑफ द नेक पे और शोल्डर को फॉरवर्ड रोटेट करेंगे। से कम 5 से 10 बार, फिर एंटी क्लॉक ऑपोजिट रोटेशन,
इसे भी 5 से 10 बार करते हुए दोनों आर्म्स को एक्सटेंड करेंगे और फिर आर्म्स को रोटेट करते हुए फिंगर्स को ग्रैब करने का प्रयास करेंगे। वापस आर्म्स को रोल करते हुए दूसरी तरफ, वापस रोल करते हुए राइट साइड, राइट और लेफ्ट, हर तरफ 5 से 10 बार करने का प्रयास करेंगे। सामने ही देखना है और ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। यहाँ से आर्म्स को रिलीज करेंगे। तो ये थे हमारे सबसे सिंपल आसनास जो कि ल्यूपस डिजीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत ही सहायक होने वाले हैं। आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हमारे योग गुरु श्री हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। ल्यूपस में हर एक अवयव का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले तो चमड़ी, बहुत ज़रूरी है कि एलोवेरा जेल का उपयोग किया करें चमड़ी पर रब करने के लिए। दूसरा है दही, वो भी अगर चमड़ी पर लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा और खाने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा, एप्सम सॉल्ट अगर गुनगुने पानी में डालकर और आप उससे स्नान करते हैं, वार्म वाटर बाथ, तो उससे काफ़ी दर्द में राहत मिलेगी। चौथा, जब भी आप धूप में जाएं तो धूप से ज़रा बचें, इसलिए छतरी, कैप, ये सब साथ में लेके जाएं, जिससे डायरेक्ट धूप आपकी चमड़ी पर ना लगे। पांचवा, ये सारी चीज़ों के बावजूद किडनी का डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूरी है। जहाँ थोड़ी हल्दी पेट में जाए, अदरक पेट में जाए, तो डिटॉक्सिफिकेशन होगा। और सबसे ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन में सारे प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। नमस्कार। जब हम अपनी त्रुटियों से सीख लेते हैं तो वही त्रुटियां हमारे सफलता के लिए एक मार्गदर्शक बन जाती हैं, एक सीढ़ी बन जाती हैं। संस्कृत में कई बार हम बोलने और लिखने में कई तरह की त्रुटियां करते हैं। आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में, जहां हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र सिखा रहे हैं शुद्ध उच्चारण और लेखन संस्कृत का। सर्वेभ्यः संस्कृत पाठशाला प्रेक्षकेभ्यः अस्तु मम नमः। सस्वागतं संस्कृत पाठशालायाः अभिनवायां कक्षायां। भवतां समेषाम् अभिनन्दनं करोमि। अहं नारायणदत्तमिश्रः। इन दिनों आप संस्कृत शब्दों की शुद्धता संबंधी तथ्यों को जानने के क्रम में सीख रहे हैं व और ब, इन दो अक्षरों के बीच अभेद या समानता और भेद या असमानता से संबंधित शब्दों के बारे में। तो आइए आज कुछ और उदाहरणों के बारे में बात कर लेते हैं। शब्द है वारम वार या वारम वारम, जिसका बारम बारम इस रूप में हम प्रयोग कर लेते हैं। वारम वारम नमः, वारम वारता सारणी जैसे प्रयोगों को हम अक्सर बारम बार प्रणाम, बारम बारता सारणी इस रूप में हिंदी भाषा में अनुदित लिखा पाते हैं, इसलिए भी व का ब इस रूप में कई लोग उच्चारण कर जाते हैं। ऐसे ही संस्कृत में वारम, एक वारम, द्विवारम और पंचवारम जैसे शब्दों को हम में से कई हिंदी में बार, एक बार, दो बार, पांच बार इन स्वरूपों के साथ समझते हैं, इसलिए भी संस्कृत में एक बारम, द्विवारम और पंचवारम इस रूप में लिख और बोल जाते हैं। और ऐसा करते ही हम संस्कृत के परिष्कृत और वैज्ञानिक स्वरूप पर प्रादेशिक या क्षेत्रगत प्रभाव को ले आते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि व इस अक्षर के लेखन और उच्चारण में अवैज्ञानिक रूप से ब का लेखन और उच्चारण हम ना करें। तो यह तो बात हुई व को ब के रूप में समझकर गलत प्रयोग करने की। अब हम आगे बढ़ते हैं उन शब्दों की ओर जहां ब को व इस रूप में समझ गलत लेखन और उच्चारण कर दिया जाता है। और ऐसा करते ही हम जाने अनजाने में ही अत्यंत वैज्ञानिक और परिष्कृत स्वरूप वाले संस्कृत के संस्कृतत्व पर कुठाराघात कर जाते हैं, यह आप जानते ही हैं। जैसे एक शब्द है जिसे हम हिंदी में कहते हैं वाष्प, पर उसका शुद्ध रूप इसके मूल स्वरूप में अर्थात संस्कृत में जो प्राप्त होता है वह है बाष्प या बाष्पः। कहा गया है बाष्पो नेत्र जलोष्मणो हो, अर्थात साधारण रूप से आंसू और भाप और कभी कभी लोहे के अर्थ को भी बाष्प शब्द द्वारा गृहित किया जाता है।
एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक भी है जहां बाष्प शब्द का प्रयोग हुआ है जो अभिज्ञान शाकुंतलम में प्राप्त होता है। वह श्लोक कुछ यूं है, यास्यत्यद्य शकुंतलेत हृदयम संस्पृष्टमुत्कंठया कंठः स्तंभित बाष्प वृत्ति कलुषश्चिंता जडम दर्शनम। इस श्लोक के अलावा आनंद बाष्प विसरो नयने प्रजानाम आविर्बभूव मकरंद इवार विंदे सा बाष्प कलया वाचा निश्वसंती पुनः पुनः वारं वारं तिरयति दृशोरुद्गमं बाष्प पूरः। जैसे संदर्भों द्वारा स्पष्ट ही है कि बाष्प यह शब्द ही संस्कृत साहित्यानुसार और व्याकरणानुसार भी सर्वथा शुद्ध है। तो आज हमने व और ब के बीच भेद, अंतर या भिन्नता के बारे में कुछ विशेष उदाहरणों के साथ जाना। संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में हम पुनः लौटेंगे कैश्चित विशिष्टैः उदाहरणैः सह। तावत् मांगल्यमस्तु सर्वतः, नमो नमः सर्वेभ्यः। जीवन है अनमोल, इससे प्रेम करो, यदि है रात तो सुबह की प्रतीक्षा करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, निरंतर परिश्रम करते रहो, ईश्वर पर रखो आस्था और स्वयं पर विश्वास करो। आज के कार्यक्रम में इतना ही, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।